हीरो हीरोइन तो नहीं है, हम लोग एक स्टोरी के सेंट्रल कैरेक्टर ज़रूर हैं। हमारा ये प्यार थोड़े ही देर के लिए है, फिर मेरी ज़िंदगी में उदासी ही उदासी है, इनके बिना मुझे पूरी फिल्म में गुजारनी होगी। थोड़ी देर का ये प्यार था, मतलब खलनायक से प्यार करना महंगा पड़ा। नहीं, ये फिल्म में खलनायक नहीं है। खलनायक से प्यार करना इनको अच्छा पड़ा, मैं मर गया तभी तो आगे बढ़ी कहानी। सही बात है, कहानी ही कुछ ऐसी है कि इनके डेथ के बाद मैं फिर बाद मेरी वेज में भी है और फिर बच्चों को लेकर कैसे आगे परवरिश करती हूँ, बच्चा खो जाता है सब। फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर बात की जाए तो क्या? हाँ, डायरेक्टर प्रोड्यूसर हमारे घर के ही हैं, डायरेक्टर राकेश सिन्हा जी, जिनके साथ मैंने बहुत सारा काम कर चुकी हूँ, बहुत सारे सीरियल्स उनके साथ कर चुकी हूँ। और प्रोड्यूसर जो हमारे शुभम भाई हैं, वो भी हमारे फैमिलियर हैं। मेरी दुआएँ उनके साथ है कि ये फिल्म बहुत अच्छी बने और सुपरहिट हो। मैं क्या कहूँ इस फिल्म के बारे में, बताऊँ कि अपने कैरेक्टर के बारे में बताऊँ क्या सुनना चाहिए? कैरेक्टर बताएं और मोना जी के साथ गाना करके कैसा लगा? ये बहुत अच्छा लग रहा है गाना करके, ऐसा लग रहा है कि बाप रे बाप, किसी ने 10 किलो का बोझा डाल दिया मेरे ऊपर। डायलॉग रहता है 10 पेज का स्क्रिप्ट तो बड़ा आसान लगता है, लेकिन एक गाना कंप्लीट करना बड़ा मुश्किल लगता है। इसलिए लगता है शायद हम लोगों ने कभी गाना पर बहुत ध्यान नहीं दिया, लेकिन अगर ध्यान देंगे एक दो गाना के बाद शायद हम भी अच्छा गाना करने लगे, मुझे लगता है ऐसा झिझक निकल जाएगी। और बहुत खूबसूरत गाना है, विनय बिहारी जी का संगीत है, आलोक जी ने गाना गाया है, और इतनी अच्छी अदाकारा हैं, बहुत कमाल की मोना जी एक्ट्रेस हैं, इतने सीरियल्स किए हैं इन्होंने, काफ़ी फिल्में भी की हैं इनका। मैंने एक फिल्म भी देखी थी हाल फिलहाल, इंडियाज मोस्ट वॉन्टेड, हिंदी में बड़ी अच्छी फिल्म थी, राजकुमार गुप्ता जिसके डायरेक्टर थे। तो अच्छा लगता है एक अच्छे कलाकार के साथ काम करना, और ठीक है हमारे स्टेप्स कमज़ोर हो सकते हैं लेकिन रिएक्शन सही रहते हैं। बिल्कुल, रिएक्शन बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आया इनके साथ गाना करके। और मैंने तो पहली बार इनके साथ मैंने काम की हूँ, अभी बहुत दिनों के बाद मैं भोजपुरी कर भी रही हूँ, क्योंकि हमारे घर की फिल्म है इसलिए मैं कर रही हूँ। और एक रोल बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा, डांस भी बहुत अच्छा किया और इन्होंने एक्सप्रेशन बहुत अच्छा दिया। तो मैं बोला ना कि हम स्टेप गड़बड़ा जाएगा एक्सप्रेशन सही रहेगा, तो मैंने देखा है कि गाने में स्टेप्स के साथ साथ एक्सप्रेशन की बहुत ज़रूरत रहती है, क्लोज में स्टेप्स कम नज़र आते हैं, एक्सप्रेशन ज़्यादा ही नज़र आते हैं, तो हमने उस पर ज़्यादा ध्यान रखा था थोड़ा सा। डांस आपने आज ही सीखा या पहले आप सीख रहे थे? बस सीख तो मैं बचपन से रहा हूँ, बस घर ही में नाचता हूँ, अभी भी नाच रहा हूँ, बीबी नचा रही है मैं नाच रहा हूँ, और जब ज़रूरत पड़ती है बाहर तो नाच लेता हूँ। और कोशिश ये है, कभी ध्यान नहीं दिया डांस पे, नहीं तो एक कॉलेज के समय में बहुत अच्छा डांसर हुआ करता था मैं, कहो ना प्यार के गाना था उसमें, तो मैं कितने डांस किए हैं, हर सरस्वती पूजा में स्पेशल डांस के लिए जाता था मैं। लेकिन बीच में जब शुरू हुई स्ट्रगल, तो हमारे एक मिल गए मित्र जो हमें एक्टिंग के लिए बोला कि देखो एक्टिंग करना तो सब छोड़ दो, तो हमने सब छोड़ दिया, तब से तो बॉडी वैसी हो गई, ना हिल पाता ना हिला पाते वाला हिसाब। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, इनको हिलाने से ये हिल जाते हैं। अभी जैसे बाल गोपाल की बात हो जाए, अभी आपके रियल लाइफ में भगवान ने बाल दिया, बाल गोपाल को दिया, और यहाँ आज फिल्म में भी वही सीन चल रहा था, तो इसीलिए तो सीख रहा था, तो ही तो एक्सप्रेशन आ रहा था, क्या लग रहा मेरा बचवाया और सुसु भी कर दिया है फेस पे, मतलब ऐसा शॉट था, पर वो सब देख रहा हूँ रोज आजकल घर में चलता ही रहता था, मैं वो एक्सप्रेशन बड़ा उसी हिसाब से देता हूँ, रियल एक्सप्रेशन मिल गया है तो अच्छा है। और देखिए बच्चा 1 साल का है, बहुत तंग किया हम लोगों को शुरू में, तो बेचारा इतना रो रहा था कि हमारा शॉट ही नहीं हो रहा था, फिर वो सो गया तो हमारे एक शॉट किया। और मैं यही बोलूँगा कि देखिए सिनेमा जो होता है कहीं ना कहीं रियल लाइफ से जुड़ी हुई कहानियाँ होती हैं, रियल लाइफ से ही सारे हम लोग सीख के ही हम रिएक्शन दे रहे हैं, तो घर में बच्चा जो आया है बहुत सही टाइम पे आया, मैं ये रोल कर लिया। फिल्म के प्रोड्यूसर बात की जाए तो बारे में, देखिए बहुत अच्छे प्रोड्यूसर हैं, और ख़ास करके इन्होंने जैसे बोला कि हम सब प्रोड्यूसर ही समझ लीजिए इस फिल्म में, एक अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं सब कलाकार वलाकार, सब कलाकार मिल के, सब लोग दोस्त यार हैं, सब एक परिवार हैं। और राकेश त्रिपाठी जी की कहानी है, राकेश सिन्हा जी डायरेक्टर हैं और प्रोड्यूसर साहब हैं हमारे, वो बहुत अच्छे इंसान हैं। और हम एक जैसा कि टाइटल है फिल्म का जिया हो जुग जुग जिया हो ललनवा, तो टाइटल से आप समझ जाइए कि अगर टाइटल इतना प्यारा है तो कहानी कितनी अच्छी होगी। राकेश त्रिपाठी जी जो कहानी लिखी है, जो जिन्होंने उनको अभी संघर्ष के लिए अवार्ड मिला है आप सबको पता है, तो वो ऐसी मार्मिक कहानियों के बादशाह हैं, बहुत प्यारी प्यारी इमोशनल सब्जेक्ट के मतलब बहुत अच्छा लिखते हैं, उनकी पकड़ है इस पर, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है काम करके अभी इस फिल्म में। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू।